गया के टीला धर्मशाला रोड में शनिवार को एक कचरा दुकान में अचानक विस्फोट हो गया। विस्फोट की आवाज सुन आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। विस्फोट की आवाज सुन सड़कों से गुजर रहे लोग भागने लगे तो वहीं कुछ देर के लिए सड़कों पर आवागमन भी बंद हो गया। विस्फोट की घटना में कचरा दुकानदार जौहर मंसूरी बुरी तरह घायल हो गया है। उसके दोनों हाथ जख्मी हो गए। दुकानदार के एक हाथ की उंगली कट गई है। आनंद फानंद में स्थानीय लोगों ने उसे इलाज के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना के बाद सिविल लाइन थाना की पुलिस और टाउन एसएसपी पीएन साहू घटना स्थल पर पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। धर्मशाला रोड में उसी में सवेरे अपना काम कर रहे थे, उसी में विस्फोट हो गया है। उनका एक उंगली कट गया है और वो जख्मी है। अभी इलाज में रेफर किया गया है मेडिकल कॉलेज में। दोनों हाथ में जख्मी है, जख्म पहुंचा है उनको। ये जो घटना हुई यहाँ पे पीओ पर कोई एक्सप्लोसिव का सामान नहीं मिला है, या जो विस्फोट होता है उसका कोई अवशेष जो है वो नहीं मिला है। हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं और इसके लिए एक्सपर्ट टीम जो है BDS टीम और FSL को बुलाया गया है। घटनास्थल से कोई भी विस्फोटक या विस्फोटक पदार्थ बरामद नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मामले की बारीकी से जांच कर रही है। घटना के बाद स्थानीय दुकानदारों में भय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि कचरा में किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ होगा। दुकानदार कचरे को बैग से निकालकर अलग कर रहा था, इस दौरान कचरे के बीच विस्फोट हो गया। विस्फोट से पूरे दुकान में अंधेरा छा गया।